प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो रिज़ल्ट आपका 19 जुलाई को बिहार पॉलिटेक्निक का जारी किया गया है ना, तो उसका जो है काउंसलिंग डेट यानी आपका लगभग कितने दिन के बाद, तो मान के चलो 10 दिन है ना, 10 दिन के बाद आपका जो है जारी कर दिया गया कि भाई इतना तारीख से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आज आपका जो है ITI का भी जो है फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग रिजल्ट था वो 27 जुलाई को ही जो है जारी कर दिया गया। तो ये जारी कर दिया गया और काउंसलिंग एक स्टार्ट भी हो गया। तो अब उम्मीद है, अब आपका किस चीज़ का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो अब आपका काउंसलिंग होगा BCC का स्टार्ट। किस चीज़ का? BCC का स्टार्ट होगा, जिसके थ्रू आपका जो है बिहार के एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों का काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो मुझे उम्मीद है वो आपका 9 अगस्त या फिर आप मान कर चलो कि 12 अगस्त के आसपास है ना, 12 अगस्त के आसपास उसका जो है स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपका जो है मानकर चलो BCCLE का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एक मैं उम्मीद बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन स्टार्ट हो, लेकिन उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डेट जो है आपका अनाउंस किया जा सकता है कि आपका काउंसलिंग जो है इस दिन से आपका होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका BCCLE में जो भी लोग अपना रैंक निर्धारित किए हैं यानी रैंक अपना प्राप्त किए हैं 1000, 2000, 3000, 4000, सभी को एडमिशन मिल तो जाएगा। जो भी रैंक आपने लाया है उस रैंक के अनुसार आपका एडमिशन होगा, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना कि एकदम स्पेसिफाइड ब्रांच और स्पेसिफाइड कॉलेज चाहिए, तो भाई वो हर किसी को पॉसिबल नहीं है। जिसका अच्छा रैंक है उसके साथ होगा, जिसका अच्छा रैंक नहीं है उसका नहीं आएगा। ये चीज़ जो है आप फिक्स मानकर चलो, ठीक है, ये चीज़ फिक्स मानकर चलो कि सबके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, अब रही बात, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर टॉप कॉलेजेस का जो है लिस्ट बता दीजिए, या और प्लस जो पिछले साल जो एडमिशन हुआ है उसके अनुसार रैंकिंग बता दीजिए। तो देखो डियर, पिछले साल जो एडमिशन हुआ ना 2022 में, उसका कोई लिस्ट BCC बोर्ड की तरफ से दिया नहीं गया कि कितना रैंक तक एडमिशन हुआ, कितना रैंक तक एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, 2021 में आपका जो है लिस्ट जारी किया गया था कि भाई इतना रैंक तक इस कॉलेज में मिला है, इतना रैंक तक इस कॉलेज में दिया गया है। ठीक है, तो जो रैंकिंग आपका 2021 का रहा है उसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप जाकर डिटेल में देख सकते हो, सर्च करके देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। प्लस आपको जो है एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस बार नंबर ऑफ सीटें इंक्रीज हुई हैं डेफिनेटली, तो जो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, जो सिविल वाले हैं उनको भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि उनके लिए भी 2-3 कॉलेज में ब्रांचेज जो है ऐड किया गया है। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में ऐड किया गया है, लेकिन खास कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन ऐड किया गया है। तो जो स्पेशलाइजेशन से करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो अच्छा खासा मतलब थोड़ा अच्छा रैंक नहीं भी है तो भी जो है उनको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। लोग बार बार मेरे पास कॉल करते हैं डियर, मैं एक विनती करता हूँ आपसे, ठीक है, एक तरीके का विनती कर सकते हैं कि भाई मैं हर किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हर किसी का मैं कॉल रिसीव करूँ और हर किसी को घंटों घंटों बात करके या 10 मिनट या 15 मिनट बात करके उसके साथ जो है मैं बात करूँ, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वीडियोज़ में कमेंट करने का, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उस कमेंट का आपका जो कमेंट रहेगा उस कमेंट के वीडियोस आपको फॉर्म में दे दिया जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मतलब आप जो भी कमेंट करेंगे ना, आपके सवाल का जवाब दिया ज़रूर जाएगा, हो सकता है कि आपके
रिप्लाई एट इंस्टेंट मिल जाए, हो सकता है कि विद इन 24 आवर्स और 30 आवर्स या एक दिन या दो दिन आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम तुरंत एट इंस्टेंट आपको जो है रिप्लाई मिल जाए। कई सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं वो क्या सोच कर करते हैं कि बस हम तो मैसेज कर दिए हैं, अब हमको रिप्लाई मिल जाएगा। तुम खुद मेरे जगह पे रह कर देखो यार, और अपने आप को ये सोच कर देखो कि अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई बार बार मैसेज करे कि मेरा सवाल का जवाब दीजिए जवाब दीजिए, और आपके पास टाइम ना हो, है ना, तो आप क्या कीजिएगा? आप इरिटेट होइएगा कि नहीं उससे, या फिर आप उसको इग्नोर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो उसी तरीके से एक का अगर रिप्लाई आए, एक का क्वेश्चन आए, तो भाई एक का जवाब दे दे। कई सारे लोगों का आता है रिजल्ट, कई सारे लोगों का आया ना, तो कई सारे लोगों का आता है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा कमेंट से मिल रिप्लाई, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरा ये सवाल है, इस पर एक प्लीज़ एक सेपरेट वीडियोज़ जो है हमारे लिए बना दीजिए। तो आपके लिए एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए भी मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाने के लिए तैयार हूँ, ताकि हो सकता है कि उस सेपरेट वीडियो से और भी कई सारे लोगों का डाउट सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का, कॉल और मैसेज ना करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आप कॉल करेंगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा कि कोई कॉल किया कोई स्टूडेंट। बहुत देखो, मैं भी जैसे मैं भी अगर किसी के पास कॉल करता हूँ, तो ये उम्मीद यही रखता हूँ कि सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो हमारे फ़ोन का रिप्लाई दे, कम से कम हाँ या ना तो बोल दे। लेकिन हर किसी के पास एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो किसी के पास कुछ है। और मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि हाँ फ़ोन जो है कोई और यूज करता है, व्हाट्सएप कोई और यूज करता है ना, और क्लासेस कोई और लेता है, सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ। हाँ, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज अगर का रिप्लाई देना रहता है, तो दो तीन को दोस्त है उसको जो है मैसेज बोल देता हूँ कि कुछ भी मैसेज आए हाँ या ना अपने हिसाब से दे देना, क्योंकि वो भी लैटरल एंट्री से किया है ना, तो लैटरल एंट्री से बीटेक किया, तो वो थोड़ा बहुत गाइड कर देता है, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, बाकी मैक्सिमम टाइम तो मैं ही रिप्लाई देता हूँ। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बाकी आप लोगों का काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगा, उम्मीद कीजिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी वन बाय वन आपका स्टार्ट हो रहा है। एक का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा फर्स्ट राउंड का, तो सेकंड का जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा इस वे में, और बीच में आपका जो है 17 अगस्त तक, 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको पता है कि LRC का एग्ज़ाम डेट भी है, तो मे भी हो सकता है कि उस बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो साइट वगैरह में, या फिर काउंसलिंग करवाने में, तो इसको लेकर जो है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके, किसी तरीके का कोई अपडेट आपको मिस ना हो। आपको मैं दावा कर सकता हूँ, आपको मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको किसी तरीके का निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा। डेफिनेटली जो भी कहूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है, उसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।